हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टूर। तो लास्ट डे जैसा कि हम लोग देख रहे थे इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसे हम लोगों ने डिराइव किया था बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड। फर्स्ट इक्वेशन इज बी इक्वल यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू एस। और याद करिए मैंने उसमें कैसे सॉल्व किया था, मैं उसको फिर से आपको रिकॉल करा दूं। उसमें मैंने सबसे पहले एक्सेलरेशन का डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए अगर क्लियर नहीं है तो उस वीडियो को आप जाकर मैं रेफर करता हूं, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी दिन सेम डिज मैंने कहा था कि इसमें एक और इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट उस पैटर्न पे उस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर देखने को आपको मिल सकता है। और ऐसे भी बहुत सारे बुक्स में देखोगे फिजिक्स के, उसमें आपको मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना सर आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाए। तो वो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, वो दरअसल वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन के ही अंतर्गत आता है। तो अभी हमें देखेंगे कि वो क्या है और हमें क्या प्रूव करना है। तो याद करिए मैंने कहा था एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। मान लो ना कि एक सेकेंड में इतना मीटर, दो सेकेंड में इतना मीटर, थ्री सेकेंड में इतना मीटर, सिमिलरली एन सेकेंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वही तो अभी हमको डिराइव करना है। आइए अभी हम इसी चीज को डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव किया जाता है, गॉट माई गेट, उम्मीद है यहां पर दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये तो आपको प्रूफ करना है, जिसमें आप समझ सकते हो एस एन हो गया क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एन सेकेंड, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, a is the acceleration and u n is the time taken, n is the term, matlab nth time taken. ab hum ise derive karna by the help of symmetrical method. aaye hum log kya karte hain, lekin isko apply karne, isko prove karne ke liye aapko class 10th mein ek padhna hai term arithmetic progression, thoda sa usi ka help lenge aur help lene ke baad hum ise prove karenge. वैसे ap तो आप नहीं जानते हो, खैर कोई बात नहीं, अभी ये समझ लो, ये भी समझा रहे, समझ में आ जाएगी बात। तो एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा यहां पर एस एन जो है nth टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो मान लो कि nth टाइम में हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स एन, एक्स इज द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम एन सेकेंड। तो n सेकेंड में हम अगर मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो फाइनली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x n, जिस तरीके से sn का मतलब nth टाइम में हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो sn, तो सिमिलरली nth टाइम में अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो xn हो सकता है कि नहीं, मान लेते हैं x हमारा पोजीशन है ना। चलिए तो यहां पर लिखिए क्या, द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी इन एन सेकेंड। तो क्या होगा हमारा, आप देख सकते हो एक्स एन, और याद करिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप किया था ना, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिमिलरली एक्स एन हमारा डिस्टेंस यानी पोजिशन हो गया तो एक्स एन को क्या लिखेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी के बदले यहां पर क्या है एन, टी के बदले क्या है n, तो x n इक्वल क्या हो यू टी, तो क्या लिखेंगे यू एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ एन स्क्वायर। किस पैटर्न पे हमने लिया है, हमने लिया है एस एन एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे, इसी पैटर्न को मैंने फॉलो किया है। और इस तरीके से मैंने nth टाइम में nth सेकेंड में हमने जो पोजिशन ऑब्जेक्ट का बताया दैट इज गिवन बाय लाइक दिस un plus half an square, इसे क्लियर था। चलिए अब इतना गौर फरमाइएगा, ये तो n सेकेंड है, मान लो कि n सेकेंड से एक सेकेंड पहले तो हमारा क्या होगा n minus one होगा ना। मान लो कि n सेकेंड में हमने x n डिस्टेंस ट्रेवल किया तो n उससे एक सेकेंड पहले, तो n minus one सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, x n minus one, मतलब यह कि
जहां 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 क्या होगा n होगा वहां पे हमें प्लेस करना है n माइनस वन. इज इट क्लियर ना? आइए गौर मारते हैं. यहां पर लिखे क्या, डिस्टेंस द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी इन कितना सेकेंड, n माइनस वन सेकेंड. बस सेम बात इसी फॉर्मूला पे हमें कुछ भी करना है. तो आप मुझे जरा बताओ एक्स एन माइनस वन होगा ना, चलिए डेट इक्वल क्या हुआ यहाँ पे, यू इंटू एन माइनस वन, जहां जहां एन वहां पे क्या पुट करेंगे एन माइनस वन, प्लस हाफ ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर. क्लियर है? इसको आप इक्वेशन वन मान लो और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं. अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या आएगा जब गॉट माइएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो फाइनली यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, और इसे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. क्लियर है? इसे मैंने जो ब्रेक किया है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी. फिर आप जो गॉट मार सकते हो, मैं इसे जब सॉल्व करूंगा तो यू एन माइनस यू प्लस 1 by 2 a से, 1 by 2 a से तो सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि 1 by 2 a m2 है, तो 1 by 2 a को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को 1 by 2 a n स्क्वायर, प्लस 1 by 2 a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को आएगा 1 by 2 a माइनस, अब फिर गौर फरमाना 1 by 2 a को 2 n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा 2 a n by 2. ये 2 से 2 फिनिश, यानी ओवरऑल मेरे को क्या आया, आप गौर फरमा सकते हो यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए और माइनस ए एन, इतना आया. उम्मीद दिख रहा होगा, नीचे भी लिख सकते हैं. चलिए अब मेरे को तो चाहिए क्या एस एन प्रूव करना है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, एस एन जो आता है एन सेकेंड में, तो उसके लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एस एन फाइंड करने का मतलब क्या होता है, SN माइनस वन जो SN में फाइंड करना, एथ टाइम में जो फाइंड करना वो टर्न, और उसे एक सेकंड पहले का अगर मालूम कर लोगे ना तो आपको फाइनली SN आ जाएगा. तो सिमिलरली मुझे जो फाइंड करना है SN, क्या मैं SN को ऐसा लिखूंगा XN माइनस वन, ऐसा लिखेंगे ना, SN को क्या लिखेंगे XN माइनस XN माइनस वन. अब क्या करना है कि इस फॉर्मेट पे हमें वैल्यू प्लेस करना है, क्या प्लेस करना है, xn मेरे को क्या है, आप गॉट मार सकते हो xn हमारा इक्वेशन वन ये है, ये पूरा हमारा xn है, तो पुट करते हैं sn इक्वल हो जाएगा मेरे को क्या हो जाएगा u इंटू एन माइनस वन प्लस सॉरी यू एन है xn का देखिए आपका यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर. क्लियर है? उसके बाद क्या साइन है यहां माइनस, तो मैं यहां माइनस दूंगा और जब माइनस साइन दिया आता है तो उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा. अगर माइनस दे रहे हैं ब्रैकेट नहीं देते हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको कैलकुलेशन करने में बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा. चलिए अब एक्स एन माइनस वन है, तो एक्स एन माइनस वन का वैल्यू मेरे को क्या है, गौर फरमाना एक्स एन माइनस वन का वैल्यू मेरे को क्या है, यही तो है यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन, यही है. आइए पुट करते हैं क्या है, देख सकते हैं यू एन माइनस यू प्लस हाफ एन स्क्वायर, हाफ एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन, उम्मीद दिख रहा होगा. चलिए इतना मैंने पुट कर दिया एस एक्स एन माइनस वन का वैल्यू, देख लेते फिर से यू एन माइनस यू प्लस हाफ एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन. क्लियर है ना? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और इस माइनस टर्म से सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आएगा माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए और माइनस माइनस प्लस ए एन. मतलब यह कि जहां पे प्लस था वहां माइनस हो जाएगा और जहां माइनस है जहां पर प्लस है माइनस और जहां माइनस है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यही तो मतलब होता है माइनस से मल्टीप्लाई करने का. अब आगे वहां प्रूव करते हैं, कुछ कैंसिल कैंसिल हो रहा है, देखिए तो प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस हाफ एन स्क्वायर, दिस विल रिफ्रेश ओके ना.
अभी कुछ और कुछ नहीं है फिलहाल, तो चलिए इसको ले जाए यूएन माइनस यूएन। अच्छा यहां भी है तो आप यूएन से यूएन को फिनिश कर दो, हटा दो, फिनिश तो हो गया ना। अब क्या बचिया दे सकते हैं, यू ये वाला यू माइनस हाफ ए प्लस ए। अब जरा गौर फरमाइएगा, यू माइनस, लेकिन मेरे को क्या प्रूफ करना है, यहां प्लस प्रूफ करना है, यू प्लस, देखिए यू प्लस ए बाई टू इंटू टू ए माइनस वन। तो ऐसा करते हैं यू प्लस वाले को पहले ले लेते हैं और माइनस क्या होगा यहाँ पे ए बाई टू। अब जरा गौर फरमाइएगा, क्या इसको ले सकते हैं यू प्लस, इस दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखिए लाना में क्या है, यू प्लस ए बाई टू यहाँ पे मेरे को बताओ, क्या बताओ मुझे, ए बाई टू यहां पर अगर हम लिख देते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ ए बाई टू चाहिए, ए बाई टू अगर हम लिख देते हैं यहां पर, तो ए बाई टू लिखेंगे तो मेरे को यहाँ पे क्या आएगा, टू एन आएगा कि नहीं आएगा, देखिए तो टू से टू फिनिश जाएगा तो ए, टू से टू फिनिश जाएगा तो ए होगा ना, और ए बाई टू मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है तो मेरे को क्या आएगा माइनस वन। तो आप मुझे बताओ यही तो मेरे को चाहिए। और इस तरीके से मैंने इन सेकेंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन आपके सामने हाजिर है। घबराना नहीं है इस फॉर्मूले पे, इस एक्सप्रेशन पे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तीनों इक्वेशन मोशन जो हम लोगों ने प्रूव किया था वो और इस पर भी। लेकिन इससे खबर मैं आपको बता दूं, हमें तो एक और प्रूव करना बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीन था उसे ग्राफिकल मेथड ही प्रूव करना होता है। एग्जाम में अक्सर आते हैं या तो ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड, तो दोनों तो चाहिए हमको, दोनों आना चाहिए ना। चलिए तो ये आपको क्लियर है, कुछ हम ग्राफ पर से रिलेटेड बातें समझ लेते हैं, थोड़ा गौर पाइएगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव अस स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव अस वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस एक्सेलरेशन। एक बात और याद रखिएगा, अगर मान लो कुछ टर्म ऐसा है, हमेशा आगे का टाइम तो हम लोग इस पर लिखते हैं, और मान लो ये वेलोसिटी है, मतलब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। गौर फरमाइएगा, अगर बिल्कुल ये स्ट्रेट होता है तो इसको हम लोग कौन सा ग्राफ कहेंगे, देख के बताओ इसको कौन सा ग्राफ कहेंगे। ये हो जाएगा स्ट्रेट है, इसका मतलब तो यूनिफॉर्म होगा बिल्कुल, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मतलब एक्सेलरेशन है, तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी स्ट्रेट बात होगा समझ लेना यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और वो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो मैं बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। चलिए एक और ग्राफ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार है, यहां पे टाइम है और यहां पे वेलोसिटी है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे कुछ ऐसा हो, अब ये ग्राफ देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, ये जो ग्राफ देख पा रहे हो दरअसल ये ग्राफ है आपका कर्व है। आप कर्व वाले को हम लोग यूनिफॉर्म नहीं कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो ये मेरे को होगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म, अब बताओ एक्सेलरेटेड है या डीएक्सेलरेटेड है, ये एक्सेलरेटेड लग रहा है या डीएक्सेलरेटेड लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे बढ़ रहा फिर घट रहा, जब स्पीड घटता है तो वहां पर डीएक्सेलरेटेड बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं, और जब स्पीड बढ़ता है वेलोसिटी बढ़ता है तो वहां पे एक्सेलरेशन कहते हैं। देखो यहां पे कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पे इसका नाम हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन, रिटार्डेड मोशन। फिर देखना एक और ग्राफ यहां पे है, टाइम है, वेलोसिटी है, और कुछ इसको मैं यू लिखूं तो आप मुझे इसको बताओ ये ग्राफ कौन सा है। तो ये ग्राफ देखिए कर्व है, तो जाहिर सी बात है नॉन यूनिफॉर्म, और क्या हो रहा है यहां पे, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी यहां पे इंक्रीज हो रहा है, देख लो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन, और ये कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म, तो फाइनली क्या नाम होगा इसका, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मैं यहां लिख देता हूं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड
मोशन, क्लियर है। तो मैंने बताया यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, और फाइनली एक लास्ट बस छोटा सा आप देख पा रहे हो उम्मीद है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। इसमें अगर मान लो कुछ इस प्रकार का ग्राफ कुछ ऐसा, तो इसका क्या होगा, ये होगा, ये आपका होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन, क्योंकि यहां पर देख पा रहे हो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वो भी स्ट्रेट पाथ बिल्कुल यूनिफॉर्मली, इसका नाम होगा यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन। एक लास्ट और रिकॉर्ड देख लीजिए, और क्या हमेशा लास्ट बोल रहे सर, क्या कर सकते हो, कुछ याद आ जा रहा है तो मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लो ये है बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो यहां पे क्या कहेंगे, तो यहां पे बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, क्या कहेंगे, कांस्टेंट स्पीड। और हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट स्पीड में देयर इज नो एक्सीलरेशन। तो ओवरऑल फाइनली आपके सामने मैंने जो मुझे जो आज बताना था मैंने बता दिया, उम्मीद है हर बातें आपको क्लियर है। वीडियो को पॉज करना है, अच्छे से देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर कॉपी में नोट आउट करना है, क्योंकि जब ये बात आप समझ जाइएगा फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस का हर पल नोटिफिकेशन आपको जाता रहे, मिलता रहे। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही।